तेलंगाना स्टेट बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन, इंटरमीडिएट साले दुवम, उर्दू मियार अदब, हिस्सा नज्म। गजल दाग दहलवी, तफीमस एस के महबूब अली, कॉन्ट्रैक्ट जूनियर लेक्चरर, गवर्नमेंट जूनियर कॉलेज कलवकुर्ती, जिला नागर कन्नूर। अजीज तलबा, अस्सलामु अलैकुम। इंटरमीडिएट साले दुव्वम निसाबी किताब उर्दू में तीन गजलें दी गई हैं। पहली गजल उर्दू के मशहूर शायर दाग दहलवी की है। इस गजल में पांच अशआर हैं। सबसे पहले शायर दाग दहलवी का तारुफ पढ़ते हैं। शायर दाग दहलवी का तारुफ। नवाब मिर्जा खान नाम और दाग तखल्लुस था। वालिद का नाम नवाब शमशुद्दीन खान था। 25 मई 1831 ईस्वी को दिल्ली में पैदा हुए। 7 बरस की उम्र में यतीम हुए। उनका बचपन दिल्ली के लाल किले में गुजरा। मुगलिया सल्तनत के आखिरी दौर में किले में शायरी का दौर दौरा था। दाग दहलवी ने शेख इब्राहिम जौक के रंग में शेर कहना शुरू किया और पाबंदी से मुशायरों में शरीक होते रहे। 1857 ईस्वी के बाद दाग को लाल किला छोड़ना पड़ा और बेशुमार परेशानियों का सामना भी करना पड़ा। माश की तलाश में वो दिल्ली से रामपुर गए और नवाब यूसुफ अली खान नाजिम के यहां मुलाजिमत हासिल की। यहां उनकी बहुत कद्र मंजिलत हुई। तवील अरसा यहां मुकीम रहे और बाद में हैदराबाद आ गए। यहां भी उनकी बहुत कद्र हुई और इज्जत व एहतराम मिला। नवाब मीर महबूब अली खान वाली दकन के उस्ताद मुकर्रर हुए। हैदराबाद में रहकर उन्होंने इस्लाह सुखन का काम बड़े पैमाने पर किया। हिंदुस्तान भर में उनके शागिर्द मौजूद थे और खतो किताबत के जरिए इस्लाह लेते थे। अपनी शायरी के इब्तदाई जमाने में अल्लामा इकबाल भी दाग से इस्लाह लिया करते। मिर्जा दाग का शुमार उर्दू के मुमताज शोरा में होता है और उन्हें बेपनाह मकबूलियत हासिल हुई। कलाम में ज़बानो बयान के मामले में उनका नाम नाकाबिले फरामोश है। मुहावरा बंदी, ज़बान का चटखारा, हुस्नो इश्क के बेबाकाना मामलात और अंदाज़े बयान का तीखापन उनके कलाम की नुमाया खसूसियात है। गुलजार दाग, महताब दाग, यादगार दाग और मसनवी फरियाद दाग उनके मशहूर शेरी मजमुए हैं। 17 मार्च 1905 ईस्वी को दाग का इंतकाल हैदराबाद में हुआ। गजल की किरात यानी गजल को पढ़ा जाएगा।
तमाशाए दैरो हरम देखते हैं, तुझे हर बहाने से हम देखते हैं। जमाने के क्या क्या सितम देखते हैं, हम ही जानते हैं जो हम देखते हैं। न ईमाए ख्वाहिश न इजहार मतलब, मेरे मुंह को अहले करम देखते हैं। सलामत रहे दिल बुरा है के अच्छा, सलामत रहे दिल बुरा है के अच्छा, हजारों में ये एक दम देखते हैं। हमें दाग क्या कम है ये सरफराजी, कि शाह दकन के कदम देखते हैं। इस गजल का मतला तमाशाए दैरो हरम देखते हैं, तुझे हर बहाने से हम देखते हैं। गजल के पहले शेर को मतला कहते हैं, जिसके दोनों मिसरे हम खाफिया और हम रदीफ होते हैं। दोनों मिसरे हम खाफिया और हम रदीफ होते हैं। यहां पे देखिए, हम देख हरम देखते हैं, हम देखते हैं, दोनों मिसरे हम खाफिया और हम रदीफ हैं। खाफिया, गजल के मतले के दोनों मिसरों और बाकी अशआर के दूसरे मिसरे में रदीफ से पहले इस्तेमाल होने वाला हम वजन लफ्ज को खाफिया कहते हैं। गजल में खाफिया का इस्तेमाल तगज़ुल और लय पैदा करने के लिए होता है। दाग की गजल में हरम, हम, सितम, करम, खदम, ये खाफिया है। रदीफ, गजल के अशआर में मतला के दोनों मिसरों और बाकी अशआर में खाफिये के बाद मुसलसल इस्तेमाल होने वाले लफ्ज या अल्फाज को रदीफ कहते हैं। इस गजल की रदीफ देखते हैं। देखते हैं, ये रदीफ है। गजल में रदीफ एक ही होती है, लेकिन खाफिये बदलते रहते हैं। मक्ता, लफ्ज मक्ता कता से बना है, जिसके माने छोड़ना या तर्क करने के हैं। शायरी की इस्तेलाह में गजल का आखिरी शेर, जिसके जरिए शायर अपनी बात को खत्म करता है, उसे मक्ता कहते हैं। ये दाग की गजल का मक्ता है। जिसमें शायर अपना तकल्लुस इस्तेमाल करते हैं। हमें दाग क्या कम है ये सरफराजी, के शाह दकन के कदम देखते हैं। ये गजल का आखिरी शेर मख्ता है। तकल्लुस, वो मुख्तसर नाम जो शायर अपने कलाम में इस्तेमाल करता है, तकल्लुस कहते हैं। जैसे दाग, गालिब, इकबाल वगैरह। दाग ने अपने मख्ते में तकल्लुस का इस्तेमाल किया। हमी दाग क्या कम है ये सरफराजी, कि शाह दकन के कदम देखते हैं। ये दाग तकल्लुस है, और उसके ऊपर तकल्लुस का निशान भी लगा हुआ है।
अब गजल के एक एक शेर को पढ़ा जाएगा और उसकी तशरीह की जाएगी। इससे पहले एक बात जहन नशीन कर लें कि इम्तिहानात में जो सवालात आते हैं उसमें शेर का मतन दिया जाता है, तलबा को उस मतन का हवाला देते हुए शेर की तशरीह करना होता है। हवाले में उस शेर के शायर का नाम बताते हुए तशरीह करना पड़ता है। जैसे तमाशाए देरो हरम देखते हैं, तुझे हर बहाने से हम देखते हैं, ये मतन है। इस मतन का हवाला देना है कि किस शायर की गजल है। तो हवाला इस तरह दिया जाता है कि ये शेर दाग की गजल से लिया गया है, उसके बाद तशरीह की जाती है। अब इस गजल के अशआर को पढ़कर उसकी तशरीह की जाएगी। तमाशाए दैरो हरम देखते हैं, तुझे हर बहाने से हम देखते हैं। हवाला, ये शेर दाग की गजल से लिया गया है, ये गजल का मतला है। हरम हम खाफिया है, देखते हैं रदीफ है। इस शेर में दैरो हरम, दैर के माने मंदिर या बुतखाने के हैं, हरम के माने मस्जिद या काबे के हैं। गजल के मतले में दाग खुदा की याद के मुख्तलिफ अंदाज की तरफ इशारा करते हैं। इस दुनिया में इंसानों का अकीदा है कि इस दुनिया का एक मालिक है जिसे मुसलमान अल्लाह कहते हैं तो हिंदू भगवान कहते हैं। मंदिरों में लोग भगवान की पूजा करते हैं और मस्जिदों में लोग एक अल्लाह की इबादत करते हैं। यानी कुछ लोग दायर में यानी कि मंदिर में जाके वहां उनके अकीदे के मुताबिक इबादत किया करते हैं और मुसलमान हरम यानि मस्जिद में जाकर एक अल्लाह की इबादत करते हैं और अपनी आजिजी व इनकसारी का इजहार करते हुए अपने मालिक के हकीकी से अपनी जरूरियात तलब करते हैं। इस तरह शायर मंदिर व मस्जिद में खुदा की याद को तमाशा कहता है। दायरो हरम में हम तमाशा देखते हैं, शायर कहते हैं, और कहता है कि इंसान मुख्तलिफ रास्तों से अपने मालिक तक पहुंचने की कोशिश करता है। इंसान को चाहिए कि वो इस कायनात में फैली खालिके हकीकी की निशानियों को देखे, उनमें गौर करे कि चांद सूरज सितारे भी किसी ने बनाए हैं। इस कायनात को जिसने अपनी कुदरत से तख्लीक किया है वो असल खुदा है, जिसकी याद हमें अपने दिलों में बसानी चाहिए और उससे ही हर किस्म की मदद तलब करनी चाहिए। अल्लाह को याद करने के तरीके मुख्तलिफ हो सकते हैं लेकिन देने वाले की जात सिर्फ एक है, जिसने तमाम कायनात को बनाया है और दुनिया की हर चीज में वो दिखाई देता है। शायर का ख्याल है कि मुख्तलिफ मजाहिब के लोग मुख्तलिफ तरीके से इबादत करते हैं और अपने मालिक को याद करते हैं। दायरो हरम यानी कोई मंदिर में उसके अकीदे के मुताबिक पूजा पाठ करता है
कोई हरम में यानी कि मस्जिद में जाकर नमाज पढ़ते हुए अपने हकीकी माबूद के सामने सजदरेज होता है। और इस कायनात में खुदा की बनाई हुई जो तखलीक है, उस तखलीक को देखकर हम अपने मालिक की हकीकी को पहचान सकते हैं। ये पूरी कायनात में जो खुदा की तखलीक है वो बहाने हैं अपने मालिक को याद करने के। मरकजी ख्याल, इंसान मंदिर और मस्जिद में अपने पैदा करने वाले को याद करता है और मुख्तलिफ बहानों से अपने मालिक तक पहुंचने और उसे पुकारने की कोशिश करता है। जमाने के क्या क्या सितम देखते हैं, हम ही जानते हैं जो हम देखते हैं। गजल का दूसरा शेर है। गजल के शेर में शायर दाग जमाने की बदहाली की तरफ इशारा करते हुए कहते हैं कि जमाने में हमारे ऊपर जो जुल्म ढाए हैं उसकी शिद्दत का अंदाजा हमें ही है। हिंदुस्तान में मुगलिया दौर हुकूमत के बाद अंग्रेज दौर इख्तदार में हिंदुस्तानियों पर जो मुश्किलात पेश आई थी उस जानिब शायर का इशारा है। इंसान चाहता है कि हालात खुशगवार रहें और जिंदगी आसानी से गुजरती रहे, लेकिन जमाने में कभी कभी उतार चढ़ाव आता रहता है और जब हालात नासाजगार हो जाते हैं तो शायर अपने दिली जज्बात का इजहार करते हुए कहता है कि जमाने की बदहाली का अंदाजा हम ही जानते हैं जिनके ऊपर हालात आए हैं और परेशानियां झेली गई हैं। यानी शायर कहते हैं कि जमाने ने हम पर कई जुल्म सितम किए, खास तौर पर दाग की जिंदगी में जो दौर गुजरा है, कदर के बाद अंग्रेजों का इख्तदार बढ़ गया था, अंग्रेजों के मजालिम बढ़ गए थे, बादशाहत खत्म हो गई थी। उस जमाने के जुल्म सितम दाग ने महसूस किया, उस जमाने के जुल्म सितम को दाग ने महसूस किया और उन्होंने जो अहवाल देखे उस तजुर्बे को शेर में पेश किया। मरकजी ख्याल, शायर जमाने की बदहाली से परेशान है और कहता है कि जो बुरे हालात हम पर आए हैं उसका अंदाजा हमको ही है। तीसरा शेर है। ना ईमाए ख्वाहिश ना इजहार मतलब, मेरे मुंह को अहले करम देखते। गजल के शेर में दाग कहते हैं कि बुरे हालात के सबब अब दुनिया में जीने की ख्वाहिश नहीं रही, यही वजह है कि खुशियों की ना अब तमन्ना है ना उसका इजहार हो रहा है। लोग मेरी मदद करना चाहते हैं और मेरी जानिब देखते हैं कि कब मैं इजहार मुद्दा करूं और कब वो मदद को सामने आए। ख्वाहिशात के खत्म होने का एक सबब यह भी हो सकता है कि शायर को एहसास है कि दुनिया फानी है और यहां की खुशियां आरजी हैं। वो इश्क हकीकी में डूबा हुआ है और खुदा से मिलने के बाद जन्नत में हकीकी चैन और सुकून हासिल करना चाहता है। ख्वाहिशात का इजहार न करना और लोगों से बेएतनाई का इजहार शायर की खुददारी को जाहिर करता है कि वो चैन और सुकून चाहते हुए भी अपनी ख्वाहिशात का इजहार नहीं कर रहा है, जबकि करम करने वाले उसे देखते रह जाते हैं कि कब वो मदद तलब करे। जमाने के बुरे हालात की वजह से अब किसी खुशी की उम्मीद नहीं है और जीने की ख्वाहिश बाकी नहीं। लोग मुझे रहम की नजर से देखते हैं,
लेकिन मेरी खुददारी इस बात की इजाजत नहीं देती कि मैं किसी की मदद लूं। मरकजी ख्याल, शायर खुददार है और किसी से मदद की तलब करना उसे गवारा नहीं है। यह बेएतनाई और खुददारी जाहिर करती है कि इस पानी दुनिया से उसका दिल बेजार हो गया और वह आखिरत के हकीकी चैन और सुकून का ख्वाहिशमंद है। चौथा शेर है, सलामत रहे दिल बुरा है कि अच्छा, हजारों में ये एक दम देखते हैं। शायर दाग अपनी गजल के इस शेर में कहते हैं कि दिल जज्बात का घर होता है, उसमें अच्छे या बुरे ख्यालात आ सकते हैं। दिल की सलामती जरूरी है, इसलिए वह अपने दिल की सलामती चाहता है। एक ऐसे दौर में जबकि हालात के नासाजगार होने के सबब सबके दिल मुर्दा हो चुके थे, वो चाहता है कि उसका दिल सलामत रहे। अगर दिल सलामत रहे तो उसके अंदर अच्छे जज्बात पैदा होंगे और वो हालात का मुकाबला करने का अहल बन जाएगा। ये शेर शायर के हौसले की जानिब इशारा करता है कि जब सब लोग हालात का शिकार हो गए थे, शायर अपने आप पर हौसला रखते हुए दिल की सलामती के साथ कुछ ना कुछ करना चाहता है। दाग दहलवी, इस शेर में जमाने के नासाजगार हालात को देखते हुए अपने दिल को हौसला दे रहे हैं। हालात अच्छे हों या बुरे, जैसे भी हों, अगर दिल में हौसला सलामत रहेगा तो किसी भी हालात का सामना पूरी हिम्मत के साथ किया जा सकता है। मरकजी ख्याल, शायर अपने दिल की सलामती चाहता है ताकि नामसाद हालात में वो डटकर हालात का मुकाबला कर सके और अपनी जिंदगी को राह रास्त पर ला सके। ये पांचवा शेर है और मख्ता है गजल का, हमी दाग क्या कम है ये सरफराजी कि शाह दकन के कदम देखते। मख्ते में दाग दहलवी ने अपना तखल्लुस दाग इस्तेमाल किया है। इस शेर में दाग निजाम दौरे हुकूमत में ममलिकत हैदराबाद में उनकी कदरदानी की तरफ इशारा करते हैं। जब गदर के बाद दिल्ली के हालात नासाजगार हो गए थे तो अक्सर शोरा नवाबों की सरपरस्ती के लिए रामपुर, लखनऊ और हैदराबाद का रुख कर रहे थे, जहां शाही हुकूमत बरकरार थी। दाग भी दिल्ली से निकलकर पहले रामपुर फिर हैदराबाद आए। यहां आसिफ सादिस नवाब मीर महबूब अली खान की हुकूमत थी। उन्होंने दाग की हौसला अफजाई की, अपना उस्ताद मुकर्रर किया और उन्हें एजाज और इकराम के साथ रखा। शायर दाग हैदराबाद में अपनी कदरदानी की तरफ इस शेर में इशारा करते हैं कि ये क्या एजाज से कम बात है कि जिंदगी में हमें दकन के शहंशाह नवाब मीर महबूब अली खां को देखने का शर्फ हासिल हुआ। इस शेर से भी इस बात का सबूत मिलता है कि सलातीन आसिफिया ने मजहबी रवादारी के साथ शेर और सुखन की सरपरस्ती की थी, जिसके सबब शुमाली हिंद के कई नामवर शुरा ने हैदराबाद को अपना वतन थानी बनाया और यहीं की जमीन में पैबंद खाक हुए। इस शेर में ममलिकत हैदराबाद में दाग की कदरदानी की तरफ उन्होंने इशारा किया। गदर के बाद दिल्ली के हालात नासाजगार हो गए थे तो अक्सर शुरा नवाबों की सरपरस्ती के लिए रामपुर, लखनऊ और हैदराबाद का रुख कर रहे थे, जहां शाही हुकूमत बरकरार थी। दाग भी दिल्ली छोड़कर पहले रामपुर फिर हैदराबाद आए। यहां आसिफ सादिस छठे बादशाह नवाब मीर महबूब अली खां की हुकूमत थी। उन्होंने दाग की हौसला अफजाई की, अपना उस्ताद मुकर्रर किया और उन्हें एजाज और इकराम के साथ रखा। शायर हैदराबाद में आसिफ सादिस की जानिब से अपनी कदरदानी की तरफ इशारा किया है। मरकजी ख्याल, शायर दाग ममलिकत हैदराबाद में नवाब मीर महबूब अली खां की जानिब से दाग की कदरदानी की तरफ इशारा करते हैं कि बादशाह ने उन्हें अपना उस्ताद मुकर्रर किया।
اور ان کی بھرپور قدر کی۔ یہ داغ دہلوی کی غزل کے پانچ اشعار پڑھتے ہوئے اس کی تشریح کی گئی۔ اس غزل میں جو مشکل الفاظ تھے ان مشکل الفاظ کے معنی اب ہم پڑھیں گے۔ فرحان دائر کے معنی مندر بتخانہ، حرم مسجد کعبہ، دائر و حرم مندر و مسجد، زمانہ دور عہد، ستم ظلم تکالیف، ایما اشارہ، اہل کرم کرم کرنے والے، سرفرازی عزت نوازش انعام و اکرام دینا، شاہ دکن دکن کے بادشاہ سے مراد آصف سادس نواب میر محبوب علی خان۔ اب آخر میں پھر ایک بار غزل کے تمام اشعار کو پڑھیں گے۔ تماشائے دائر و حرم دیکھتے ہیں تجھے ہر بہانے سے، ہم دیکھتے ہیں زمانے کے کیا کیا ستم دیکھتے ہیں، ہم ہی جانتے ہیں جو ہم دیکھتے ہیں، نہ ایمائے خواہش نہ اظہار مطلب، میرے منہ کو اہل کرم دیکھتے ہیں، سلامت رہے دل برا ہے کہ اچھا، ہزاروں میں یہ ایک دم دیکھتے ہیں، ہمیں داغ کیا کم ہے یہ سرفرازی کہ شاہ دکن کے قدم دیکھتے ہیں۔ غزل کے ان اشعار کا ان اشعار پر دوبارہ نظر ڈالی جائے تو یہ جو ہے مطلع ہے غزل کا، تماشائے دیر و حرم دیکھتے ہیں تجھے ہر بہانے سے، ہم دیکھتے ہیں، یہ حرم ہم خافیہ ہے، دیکھتے ہیں ردیف ہے۔ اسی طریقے سے ہمیں داغ کیا کم ہے یہ سرفرازی کہ شاہ دکن کے قدم دیکھتے ہیں، یہ غزل کا مقطع ہے جس میں شاعر نے اپنا تخلص داغ یعنی کہ مختصر سا قلمی نام جسے تخلص کہتے ہیں استعمال کیا ہے۔ اور اس غزل میں جو مشکل الفاظ تھے، دائر و حرم مندر و مسجد، ستم ظلم تکالیف، ایما اشارہ، اہل کرم مدد کرنے والے، کرم کرنے والے، شاہ دکن سے مراد دکن کے بادشاہ میر محبوب علی خان۔ یہ پانچ اشعار پر مشتمل یہ داغ دہلی کی غزل جس کی ابھی تشریح کی گئی ہے۔ شکریہ۔
ختم شو. تھینک یو.